आपने सोच रखा है कि अपनी अपनी बैटरी को चार्ज रखें, जब जावेद भाई आएंगे तब बोलेंगे। आपने क्या अपनी बैटरी को कोई चाइना बैटरी समझ रखा है? मदनी वाले सरकार की नाते हो रही है और आप इस वक्त जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, बैटरी खर्च करने से बैटरी घटती नहीं बल्कि चार्ज होती है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नाते पाक के चंद शार सभी दीवानों की जानिब से पेश करता हूँ, समाप्त करेंगे। एक बार पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह, व सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। जल रहा है मुहम्मद की दहलीज पर, मुहम्मद की दहलीज पर जल रहा है, मुहम्मद की दहलीज पर दिल को ताकत हरम की जरूरत नहीं, दिल को ताकत हरम की जरूरत नहीं। जल नहीं
میرے آقا مجھ پر اتنے کرم میرے آقا مجھ پر اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں میرے آقا مجھ پر اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں حسن خلق اللہ کو مکان دیکھ لوں حسن خلق اللہ کو مکان دیکھ لوں جو نہ دیکھا تھا بھی وہ سما مجھ کو آئی نئے مصطفیٰ چاہیے مجھ کو آئی نئے مصطفیٰ چاہیے پتھروں کے سنم کی ضرورت نہیں پتھروں کے سنم کی ضرورت نہیں میرے آقا کہ مجھ پر ہے اتنے کرم کرم اب کسی سے کرم کی ضرورت نہیں سبحان اللہ میری ہر ہر سانس عشق نبی میں چلے صرف دنیا میں جو خرچ کی جا سکے صرف دنیا میں جو خرچ کی جا سکے مجھ کو ایسی رقم کی ضرورت نہیں میرے آقا کہ مجھ پر ہے اتنے کرم کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاقت حرم کی ضرورت نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں جانے جانا Oh.
سلامی دے سر بار بار کیا کہیں
اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے دشمن بھی پڑے چینا ہوں ملتا اب دینا
आपको भी पसीना आया तो पूछ सकते हैं आप भी। आप तो इस तरीके से खामोश बैठे हैं कि पता नहीं आपको कोई अपडेट करना पड़ेगा या क्या होगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं जो पढ़ रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों के? अगर समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम उस पठान की तरह बन जाइए कि जो पठान साहब हमारे बापू की तकरीर सुनते सुनते बार बार सुभान अल्लाह तकरीर के बाद बापू बोले पठान साहब तुमको हमारा तकरीर बहुत समझ में आया लगता है। कहा बापू तुम क्या बोलता था हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर सुभान अल्लाह क्यों बोलते थे? कहा जब जब तुम हमारे आका का नाम लेता था तो दिल से अपने आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप भी बोल देंगे तो आपके लिए कोई मना नहीं है। नबी की नात होगी। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुकद्दर जगाने मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं। मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं। रहमत लुटाने हुजूर आ गए
और बड़ी कृष्ण की आपकी खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए सरकार की आमद के हवाले से और सरकार की सीरत के हवाले से चंद अशआर बज़बान संस्कृत में पढ़ता हूँ। वैसे ही अब माशाल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं, हमारे मजमे को संजीदा हो जाओ, संजीदा तो ऑलरेडी रहता ही है, लेकिन यह है कि नबी की तारीफ़ हो रही, कम से कम सुबह अल्लाह की सदाएँ बुलंद करेंगे, आपके नामा आमाल में 90 नेकियों का इजाफा होगा। को